आज हम प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी के विरुद्ध में हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मौन सत्याग्रह आज गांधी के स्टैचू के पास हम कर रहे हैं। मोदी और अदानी अंबानी का बीच में क्या है, रिश्ता क्या है, ये राहुल गांधी लोकसभा में पूछ रहे हैं। क्या तुम्हारा रिश्ता क्या है बोल के उनको पूछ रहे हैं। मोदी अदानी का अंबानी का साथ में रिश्ता क्या है बोल के हाउस में पूछ रहे, बाहर पूछ रहे, और उनके सब पूरा सब लोगों को उस क्लैरिफाई करने के लिए उन्हें फोर्स कर रहे। इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे राहुल गांधी साहब का जो पूछ रहे, जो हर तरफ जो पार्लियामेंट में पूछ रहे, बाहर भी पूछ रहे, लोगों को बता रहे इन्होंने क्या कर रहे बोल के उनका पर्दाफाश कर रहे। इसीलिए राहुल गांधी को ये लोकसभा से बाहर रखने का उनका एक ये बना लिए। इसीलिए उसी दिन उनको डिसमिस कर दिया उसका मेंबरशिप, और उनको अब आगे भारत जोड़ो जो करे उन्होंने वहाँ से भारत जोड़ो कश्मीर कन्याकुमारी टू कश्मीर तक जो पदयात्रा करे उनका नाम पूरा ऑल इंडिया में पूरा बहुत इसमें आ गया। वो डर गए मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट डर गए, उसके वास्ते राहुल गांधी साहब को ये लोकसभा से भी बाहर और कंटेस्ट नहीं करे सरकार, ये षड्यंत्र रचना करे उन्होंने। इसीलिए मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट राहुल गांधी को बाहर रख के इलेक्शन चुनाव करना, अंदर रख के उनको अंदर रख के चुनाव करना चाह रहा है, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए हम उनका अगेनेस्ट है, हम प्रोटेस्ट हम गुलबर्गा ज़िले में मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। हम गांधी के स्टैचू के पास आज मौन सत्याग्रह बैठे हैं, इतने लोग हैं, हज़ारों लोग यहाँ बैठ गए। कई क्या वास्ते बोले तो राहुल गांधी को जो उन्होंने बाहर रख के चुनाव करना चाहते हैं, राहुल गांधी को ये कर रहे सो बहुत अन्याय कर रहे हैं, और उनका जो पावर है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पीएम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उनका अगेंस्ट में हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम लोग राहुल गांधी के बारे में यहाँ पे मौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो गलत आरोप लगाए हैं ये जो मोदी जी 2014 से लेकर 2022 तक जो नफरत की दुकान खोले थे, इनकी दुकान का डी एंड हो गया है। अब राहुल गांधी को ये लोग टारगेट बनाए हैं कि राहुल गांधी जी हमारे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, अडानी अंबानी का रिश्ता क्या है। तो अडानी अंबानी का रिश्ता क्या है बताइए मोदी जी आप, उनके ऊपर चुपी जो मोदी ये मोदी वो बल्कि ये फालतू का जो केस दर है ये पूरा केस डल है। मोदी नाम क्या ऐसे है बोले तो ये डल है केस, इसके ऊपर नहीं बनता, हम आपके ऊपर डाल सकते हैं। आप कितने वादे करे थे आने से पहले, 2 करोड़ नौकरियां का, 15,000 अकाउंट में, बेरोजगार को रोजगार, तो ये भी केस हमारा बनता है ना। राहुल गांधी के ऊपर जो केस बना के उनको अंदर कर रहे हैं और जो ये इलेक्शन में नहीं लगाने की बात कर रहे हैं, ये पूरा ये है, हम राहुल गांधी भाई के साथ है। और जो कर्नाटक में भी जो गवर्नमेंट सरकार है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी गवर्नमेंट सरकार आएंगी, राहुल गांधी मामूली राहुल गांधी नहीं है, उनके इसकी गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस जो है उनकी गवर्नमेंट है, उनके जो नाना दादी उनके पप्पा मम्मी से चलती आई सो गवर्नमेंट है। ये मामूली ऐसे वैसे चाय बेचने वाले नहीं पैदा करे, ये गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये चाचा नेहरू की गवर्नमेंट है, ये चाचा नेहरू का नवासा है जो अपना राहुल गांधी है। तो सोच समझ के ऊपर केस बनाओ उसके ऊपर, ये फालतू का उन्होंने क्या गलत बोल रहे हैं बताओ, अडानी अंबानी का रिश्ता क्या है, वो गलत तो नहीं बोल रहे ना, उनके साथ हम भी है। तो इसके मतलब ये है कि राहुल गांधी को इस 2 साल से दूर नहीं रखेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। राहुल गांधी भाई कोई सवाल गलत कर रहे नहीं और आइंदा करते भी नहीं। कर्नाटक सरकार खड़गे जी के साथ है, खड़गे जी सरनेम इस कर्नाटक कर्नाटक की सरनेम खड़गे जी, हम उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। प्रणाम।